Alright guys, welcome back again from McLeodganj, लद्दाख सीरीज के तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। मैं कपड़े निकाला हुआ हूँ, नहाने की तैयारी है और यहाँ स्विमिंग पूल में नहाऊंगा मैं। और यहाँ नहा के होटल से अपना सारा सामान पैक कर रखा मैंने, वहाँ से उठा के बस निकलेंगे और कुछ निकलना है। नहाते हैं अभी और फटाफट दिन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो फ्रिज मैग्नेट खरीद के लाता हूँ। तो मैंने धर्मशाला में क्लोडिंग लगाया। I bought this one. All set for today's ride. अभी दलाई लामा टेम्पल और धर्मशाला का जो क्रिकेट ग्राउंड है उसको देख के एक्सप्लोर करके आगे की तरफ खजियार का जो आज प्लान है हमारा रुकने का, मिनी स्विट्जरलैंड एक्सप्लोर करने का, वो करेंगे। लेट्स गो। अभी हमने एक ब्रेक लिया है सेंट जॉन चर्च जो मैक्लोडगंज में है, वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको। और ये सामने देखो आप मेरे चर्च है। ये चर्च 1852 में बनाई थी। क्रिश्चियनिटी की ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, क्रिश्चियन जो रिलीजन है, फिर भी अच्छी है। अंग्रेज़ों ने जो जो हिल स्टेशन बना रखे हैं ना इंडिया में, कुछ सोच समझ के बना रखे हैं और परफेक्ट लोकेशन पर बना रखे हैं। ये देखो भाई, खूबसूरत तो बहुत है ये। जो ये चर्च है ना, इसकी जो हिस्ट्री है वो ब्रिटिशर्स से गोरखा, फर्स्ट गोरखा राइफल्स जो थी उससे रिलेटेड है। एंड ये मैंने तीसरी चर्च देखी है। एक नैनीताल में देखी थी, वो तो खंडर चर्च थी। एक मैसूर में देखी थी, वो मैसूर वाली काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उस वहाँ मैंने फ़ोटो डाल रखा उसका। और ये तो बहुत छोटी सी चर्च है लेकिन ठीक है। बाकी क्रिश्चियनिटी का मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस यहाँ थी तो देख ली। अब आगे चलेंगे दलाई लामा टेम्पल और जो धर्मशाला वाला क्रिकेट ग्राउंड है, जाम बहुत ज़्यादा है। तो कुछ चेंज होगा तो मैं वीडियो में आपको बताऊँगी। वैसे अभी चलते हैं यहाँ से, ज़्यादा कुछ देखने का है नहीं यहाँ। तो भाई हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड और आप नज़ारा देखो आगे, जितना बड़ा ये टीवी में दिखता उतना है नहीं। छोटा सा ग्राउंड और पीछे आप दौड़ाधाड़ रेंज देख ही रहे हो और देखने में बड़ा खूबसूरत है, मज़ेदार। और कल हम जहाँ त्रिवेणी ट्रैक कर रहे थे वो सामने जो सबसे ऊँची पीक दिख रही है ना वहाँ पर थी, वहाँ से इसका एकदम खूबसूरत नज़ारा आ रहा था। बहुत ही छोटा सा स्टेडियम लेकिन खूबसूरत। अगर कहीं मैच देखने का मजा आना तो यही है भाई, सीनिक ब्यूटी। प्रॉपर जो शब्द होता है ना सीनिक ब्यूटी, वो यही है। देख लो भाई, कैमरा जस्टिफाई ना कर सकता इस चीज़ ने, जो भी आप देखने लग रहे हो ना कैमरा नहीं जस्टिफाई कर सकता इस नज़ारे को। शायद दुनिया में कोई इससे खूबसूरत स्टेडियम होगा कहीं और, भारत में तो है ही नहीं कोई इससे खूबसूरत। 25,000 के आसपास सीट हैं इसमें और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत। और हवा चल रही है बढ़िया ठंडी ठंडी, गर्मियों के दिन है, जून का महीना है। एंड यू कैन सी अभी इसमें कोई मैच नहीं है और तो जो इसको मैनेज करते हैं वो सभी इसमें घास वास को काट रहे हैं, पिच को तैयार कर रहे हैं। 30 रुपये की इसमें टिकट लगती है। जब कोई मैच शेड्यूल नहीं होता तो उस टाइम पे यहाँ पे टूरिस्ट अलाउड हैं विजिट करने के लिए, देख सकते हैं आके, बैठ सकते हैं, बस इन्जॉय कर सकते हैं। व्यू को इन्जॉय कर रहे हैं सभी यहाँ पर, मैं भी व्यू को इन्जॉय कर रहा हूँ। और शोर थोड़ा ज़्यादा, आवाज़ में थोड़ी कम आ सकती है। ये भाई देखियो एक बार आप कैसे सिस्टम बना रखा है।
नाला सा बना रखा है, पानी सिस्टम वाटर सिस्टम है, ये देखो पाइप लगी हुई है स्टेडियम का। इधर अपने खिलाड़ी बैठते होंगे, वो शायद कमेंटेटर हॉल है जहाँ से कमेंट्री होती है, और वो शायद भाई तुक्का ही मार रहा हूँ मेरे को नहीं पता, वो शायद वहाँ पे खिलाड़ी होंगे या ऊपर ये VIP लाउंज वगैरह होंगे। नज़ारा भाई शब्दों में बयान नहीं, अगर पैसे लगाने भी ना तो धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में जो मैच हो रहा है उसके ऊपर लगाओ, वरना मत लगाओ कहीं भी, मत जाओ यहाँ पे लगा लो, आ जाओ यहाँ मजे करो, बड़ा मस्त व्यू है भाई। चलो बस निकलते हैं आगे के रास्ते पे, और दलाई लामा टेम्पल हमने कैंसिल कर दिया, वहाँ नहीं गए हम, अब सीधा खजियार चलेंगे, खजियार में का रास्ता कवर करना है। टाइम हो गया भाई अभी 4 बजने के हो गए, 3 बजे भाई पूरे, बस अब निकलते हैं। एक बार और देखो आप ये स्टेडियम, यूपी है, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, कैसा नज़ारा है, एकदम लाजवाब जगह है ना भाई। यूपी से मिले मेरे को, क्या नाम ब्रो? विपिन शर्मा। चलो मिलके अच्छा लगा भाई आपसे, ठीक है भाई। वो कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं खजियार की तरफ, धर्मशाला जो क्रिकेट स्टेडियम है बड़ा ही मस्त है भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ अगर मैच देखना है तो धर्मशाला आओ, बाकी पैसे खराब मत करो। चलो अब करते हैं राइड, बाकी ये इधर ट्रेनिंग नेट है, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं अपने प्लेयर्स, यहाँ पे देख लो भाई नेट वगैरह लगा रखा पूरा। अभी तो कोई मैच शेड्यूल है ही नहीं, जब शेड्यूल होगा तो टिकट लो फिर आओ मैच देखने के लिए, खाना वाना ले के अपना पूरा मतलब चिल मारने के लिए। लेट्स गो, मिलते हैं रास्ते में कोई बढ़िया सा नज़ारा देख के, रुकते हैं फिर निकलूँगा आपसे मैं। अभी क्या संजोग हुआ भाई, कोई इंसिडेंस देखो कितना तगड़ा है, हम कहाँ हैं घर से लगभग 500-600 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे किसी को जानते भी नहीं ऐसा खास, पर सोनू है भाई संदीप अभी बेंगलोर में ड्यूटी करता है, उसका दोस्त मिला दीपक जो पटियाला चौक से जींस से है, उससे बात हुई काफ़ी बढ़िया लगा, और अभी गए वो व्यू में आ जाओ। सोनू भाई आपके दोस्त मिले हैं, ठीक है अभी निकलते हैं खजियार की तरफ, बस यहाँ पे कुछ खा रहे पी रहे थे थोड़ा बहुत स्नैक्स, निकलते हैं खजियार की तरफ। फिर से रुका हूँ भाई धर्मशाला से क्रिकेट स्टेडियम देखने के बाद एक जगह पे, और पंगा क्या हो गया, पंगा ये हो गया कि छोटू निकल गया नूरपुर पठानकोट वाले रास्ते से, और मैं आ गया हूँ शाहपुर वाले रास्ते से, वो बड़ा रास्ता था मैं छोटा रास्ता से आ गया। अब हम मिलेंगे पर्वत नाम की जगह है, कोई पर्वत नाम का कोई छोटा सा टाउन है वहाँ पे, मेरे को पानी की प्यास लगी मैं यहाँ रुका, तो मैंने उसके पास फ़ोन किया, उधर बाइक खड़ी है, लोकेशन मंगवाई उसकी मैंने भेजी, इधर उधर हो गए हम। अब पर्वत मिलेंगे यहाँ से 40 किलोमीटर आगे, अब नहीं रुकूँगा सीधा पर्वत रुकूँगा मैं, उसको मिलने के बाद उसको बढ़िया वाली फटकार लगानी है मैंने और बारी वो इधर उधर हो जावे है। ये देखो भाई सामने कैसे रोड क्लियर किया जा रहा है, लैंडस्लाइड हो रखी है और रास्ते को भी चौड़ा किया जा रहा है सामने,
मैं हूँ लाल डलोजी से लगभग 60-65 किलोमीटर पीछे। रुक जा अड़ लागे पड़े तो नहीं इंजन की पड़ रही इंजन खुला गा ना जब यो हेड खुले आ रहा है यो खुले आ रहा है नु इंजन ना खुले आ रहे शायद नहीं खोलने वो सी चेक करना बार बार हो गया ठीक है तेरे पैसे बच जाएंगे ये टॉर्च लगा टॉर्च दिए रहे भाई ट्राई है ये तो खोल के देखने ना वैसे चालू हो जी तो वैसे चालू होगी तो फिर तो ठीक है तो बंद कर लेते हैं इधर तेल भी आएगा ना आगे जब स्टार्ट होएगी बंद कर लेंगे इसको फिर हमने सिर्फ बस ये देखना ट्रायल करना है वैसे होगी ठीक है इसका एक जुगाड़ और करते हैं फिर रुक जाए शायद हो जाए इंजन ओके लेकिन हेड में दिक्कत है भाई बताता हूँ पूरी कहानी क्या हुई है मेरे साथ पहले एक बार ठीक करवा लूँ मैं बाल आपका उठ गया ना एक तरफ ऊपर अच्छा। से टैप्ट होती है ना फिर लगा होता है अच्छा वो जी उसने नीचे की तरफ ऐसे कर दिया ठीक है यहाँ से वो आगे बाल उठ गया एक तरफ से इसका प्रेशर खत्म हो गया गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी ये प्रेशर ये बनाती है ये वाली चीज प्रेशर बनाती है गाड़ी ये पिस्टन है इसका ये इसके साथ वर्क करता है नीचे से ये वर्क करता है इसके ऊपर ऐसे लगा होता है ऐसे लगा होता है ये इसके ऊपर पूरी जो वो बनेगी गैस बनेगी तब गाड़ी स्टार्ट होगी बाल खराब नहीं हुए मैंने इसको पहले बोला था मैं गाड़ी ऐसे देखूंगा करके अगर आपका काम हो गया ठीक है तो मैं कर दूंगा नहीं तो आपका हेड खोलना पड़ेगा हम गलत काम नहीं करते ठीक है ना आप प्रदेशी बंदे हमने क्यों करना यार। हाँ जी दोस्तों तो अब सुनो मेरी सारी कहानी हुई क्या है मेरे साथ बनी क्या लाउडू से 7 किलोमीटर पहले डाउन हिल पहले तो पूरा अपहिल चढ़ा है चढ़ते ही जैसे ही डाउन हिल स्टार्ट हुई बाइक बंद होगी बाइक बंद हुई मैं खड़ा हो गया 2-3 बंदे थे आसपास वो आ गए उन्होंने हेल्प की थोड़ी सी नंबर लिया मैकेनिक का ट्राई की मैंने भी चलेगी बाइक नहीं चली कोशिश की ठंडी होने के बाद चले नहीं चली फिर उसके बाद सारा डाउन हिल था मैकेनिक से बात की कि भाई तू पहुंच जाएगा सारा डाउन हिल है इस बाइक को नीचे ले आ डाउन हिल से लाउड पहुंच गया बाइक में जो दिक्कत थी वो मैंने अभी जो मिस्त्री बता रहा था एक्सप्लेन कर रहा था पिछली क्लिप में वो आपने देखी भी होगी बाकी ये दिक्कत क्यों हुई है वो बताता हूँ आपको आगे आपके साथ कभी ना हो जब भी आप नई बाइक ले रहे हो एजेंसी से निकलती है बाइक आप चलाते हो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जब भी ये पहली दूसरी तीसरी बाइक की जब सर्विस होती है तो उसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जो अभी ये मिस्त्री बोल रहा था जो आपने पीछे देखी हुई क्लिप टेम्पटे लूज वगैरह हो जाती हैं या टाइट हो जाती हैं तो वो नट वगैरह देखने होते हैं वो मेरी जहाँ मैंने सर्विस करवाई पहली दूसरी तीसरी वहाँ नहीं चेक की उन्होंने छू ही नहीं रखे थे हेड को उन्होंने देखा ही नहीं खोल के कि इसकी टेम्पटे लूज हो रखी हैं या टाइट हो रखी हैं तो ये सारी दिक्कत हुई हेड में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो जो बाल बोल रहा था ना बाल नाम की जो चीज़ होती है वो अटकी उससे पावर जनरेट ही नहीं की एकदम से बंद होगी तो उस वजह से ये सारी दिक्कत आई अब ठीक है मामला अब निकलते हैं डलहौजी की तरफ और कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं पर दिक्कत हो जाती अगर मैं अपहिल पे ख़राब हो जाती तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती और 400-500 रुपए फिर से लग गए बाइक सर्विस करवा के चला था अब दोबारा फिर लगे 400 रुपए और अभी तक का खर्चा जो है मेरा वो हो चुका है भाई 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो चुके हैं मेरे अभी तक मैंने पिछली वीडियोज़ में नहीं बताया तो मैं अभी बता रहा हूँ 4-5 हज़ार रुपये मेरे लग चुके हैं आगे डलहौजी खजियार जाना हमको बीच में कहीं नाश्ता सॉरी डिनर करेंगे और फिर आगे जाके खजियार में कैंपिंग वगैरह करेंगे तो ये है फिलहाल प्लान अभी तक का अभी निकलते हैं रात हो चुकी है टाइम 8 बजने को और ये वाला रास्ता जो है जंगली रास्ता सारा तो लेट नहीं करूँगा मैं आपको आगे मिलूँगा जहाँ भी कुछ अपडेट देनी होगी या कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा मेरे को तो ठीक है चलो बाय मिलता हूँ फाइनली वी मेड इट टू द डलहौजी भाई हालत बेकार हो चुकी है जमा आगे जाने खजियार जाने
कोई भी मतलब नहीं बनता। अब रात का टाइम है, यहीं रुकने की जगह देखेंगे, खाना खाते हैं, फिलहाल डिनर करते हैं और ऐसे लोकल ढाबे पर रुके हैं, ये खाना है, रोटी उधर बना दिया है और हालत बेकार। चलो ब्रो, तो दोस्तों आज की जो कैंपिंग हमने की है वो किया है इधर डलहौजी में, और आज का दिन ख़त्म करते हैं। दिन बड़ा ही टायरिंग रहा भाई आज का, बहुत थक गए, बाइक ख़राब होगी, और कल देखते हैं कल का क्या प्रोग्राम है, कल कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो अभी तक आप लद्दाख सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ठंड है भाई यहाँ पे डलहौजी में, मैंने ये जैकेट सी पहन ली है। चलो मिलते हैं कल, अब बस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर वो लोग अच्छा हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी छोड़ देना नीचे कमेंट बॉक्स में। बाय।